अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एन एच ए व्लॉग। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज का व्लॉग मैं अपने टी वी लॉन्च शुरू कर रहा हूँ। सेटिंग बड़ी पसंद है ये सबकी मुझे बात है। और ये भाई साहब में बैठे हैं, ये देखें। आज हम दोनों भाई लेट होते होते बचे हैं। कैसे कि मैं नहाने गया तो मोटर को कोई मसला बन गया, फिर ऊपर तीसरी सीट चौथी मोन्टी के ऊपर चढ़ा जाकर उधर जाकर टैंकी चाकी और तार ही लिखो तार सही की पहले बहुत ज़्यादा लेट हो नहाते नहाते। तो शुक्र जुम्मा का पहुँच गए थे, जुम्मे के साथ पहली जगह भी पहुँच गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। एकमल लेट कराने लगे थे लेकिन बच गए हम दोनों भाई। तो अब मैंने कहा व्लॉग शुरू कर लो लेट लेट को मर के अब उसे डांट पड़ ली कि टाइम ना भैया करो तो जान के लिए जानते फिर कोई ना कोई टाइम मसला बन जाना तुम। तो पहले भी डांट पड़ी थी, फिर बुझ मिलो तो डांट नहीं पहला तो भी घर नहीं पहुँचा। उसका यूनिवर्सिटी का आखिरी दिन था, वो फिर लाग उल्ला करते थे यूनिवर्सिटी में कॉलेज भी क्या था। और फिर अब वो खाना खाने गए दोस्तों के साथ गया हुआ, तो उसने तो आना डेढ़ दो घंटे बाद आएगा जुम्मा वहीं पड़ेगा। तो तुम्हें कॉल कर दी थी तो मैं और भाई मतलब जुम्मा पढ़ के आ गए। तो बाकी आगे देखते हैं आगे। आज जुम्मे का पहले जुम्मा व्लॉग भी आपको वेलकम है। तो बुरे दिन बाद जुम्मे का था व्लॉग तो रहा है, वरना मैं मशरूफियत ही होती है कुछ रिलैक्सेशन के बाद भी कोई ना कोई काम पाना था मुझे लग रहा है। तो फिर देखते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। अरे भाई मैं भाई मैं आज लेट क्यों हो बस लेट आज डांस पढ़नी है अंदर भाई। आप चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बाद में व्लॉग इन्जॉय करते रहे। जैसे जैसा कि वीडियो मैं बनाता रहूँगा अच्छी अच्छी आपका शेयर करता रहूँगा तो आप व्लॉग इन्जॉय। अच्छा जी, तो बू घर पहुँच गए। मैं दांत से बचने के लिए इधर आए तो बोलेगा दरस कुरान है, तो दरस कुरान सुनने तो दरस कुरान सुनने लगे वो जन्नत हुई हमारी जन्नत उठ गई है। तो जन्नत के साथ जाकर भी आपके साथ वीडियो शेयर कर लेते हैं और दरस कुरान सुनते हैं, फिर आप मिलता है वीडियो जाकर हम जन्नत को मिलते हैं जा। बच्ची देख सो उठती है और ऐसे बैठ जाती है। आज मैंने कहा आज वीडियो इसकी बना लूँ खुशी हो रही, चाचू लेने आ गए है ना जन्नत। ये देखिए ऐसे इशारा कर देती है अभी कि मैं उठ गई हूँ मुझे आके ले जाए और चाचू इसको लेने आ जाते हैं ना। चाचू आ जाते हैं ना जिन्ने के फौरन आ जाते हैं, ऐसे करके चाचू आ जाते हैं और ऐसे बड़ा कर लेते हैं अपने पुत्र को। अब इसे हम लेके जाते हैं दरस कुरान अब्बू का जन्नत है वो भी सुनना है, तो बाहर चलते हैं इसे ले के। والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك जी। मैं अब वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, ये मैं एक बंदे के लिए शूट कर रहा हूँ। आपको बता रहा कि तलाक आज था जी, यूनिवर्सिटी का लास्ट दिन था। तो मैं तो पहले बुखवा दे रहा था, वो आया था वो कपड़े तक मैंने वो जो आज कपड़ों की हालत काट के आया ना वो मैंने आपको दिखानी थी। सब ऐसे ही करते हैं तो मैं चला के कपड़ों की हालत आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये देखें इस बंदे के कपड़ों की हालत देखें, ये देखें। ये यूनिवर्सिटी का इनका लास्ट डे था, इनको पहले तो मुबारक हो, परेशान भी हो रहे हैं क्योंकि चार साल एक जगह पर इन्होंने गुजारे हैं। तो इनसे पूछते हैं चला भाई कैसी फीलिंग है आपकी, चार साल एक जगह पढ़ के आप आज आखिरी दिन और जाना को नहीं, कैसे फीलिंग आ रही है आपको? एक थोड़ा सी ये भी फीलिंग है कि थोड़ा दुख भी है कि जाहिर दोस्तों से अलग हो रहा है, पहले दिन से इंसान रोज़ मिलता है, रोज़ हंसना खेलना, उस लिए की खुशी भी है लेकिन उदासी भी है। लेकिन खुशी इस चीज़ की है कि ग्रेजुएट हो गया, चार साल कम्प्लीट हाँ ये ग्रेजुएट हो गए, आधी डॉक्टरी कर गए हैं, आज डॉक्टर बन गए। जिसने कोई इंफॉर्मेशन लेनी हो, किसी ने मशवरा लेना हो, तला भाई से ले सकता है आके। ठीक है जी, मैं हमारा यूपीएस थोड़ा सा ख़राब हुआ था घर का, तो मैं अम्मी अबू जी को जहाँ दुबा रहा था तो ये आया। मैंने कहा ना ना मेरा भैया ऐसे भी जाना, ये देखें ये चीज़ सबसे पसंद चीज़ें आती है जो लास्ट डे होती है, सल्टें बढ़ी जाती है ना, ये दोस्तों की यादें होती हैं। और हमारे वालदा ने आनी ये दो दो आके चलो ब्याह के ना काम में को दो दिन है। अब इस बंदे को संभालनी पड़ेगी, सल्ट देखते कब तक संभालता है, एक माह संभालता है, दो जब तक संभालता है। तो आज वीडियो इन्जॉय करते हैं, आप नमाज का टाइम नमाज माज पढ़ते हैं सर की, फिर आपके साथ आगे आगे वीडियो शेयर करते जाते हैं। तो आप वीडियो इन्जॉय करते रहे। जन्नत देखें किचन में काम करती हुई छुप के बैठी हुई है, काम कर रही है
छुप के काम कर रही है बगैर बताए किसी को। ये देखिए तार उतार दें स्कूटर से, आप ये काम करने लगी है। क्या ग्रैंड कार, क्या ग्रैंड कार यू जन्नत, जन्नत आप क्या ग्रैंड करने लगी है? वो चीज़ों का मुआयना करिए कि ठीक भी हैं या नहीं। ये देखिए काम करती है, छोड़ दे। ये देखिए जन्नत इधर देखो, ये देखिए। अच्छा जी आपके भाई अब ब्लॉग दोबारा से शुरू कर लेता है। जन्नत वीडियो शूट किया, खाना खाना तैयार कर रही थी, खाना इसलिए तैयार हो रहा था, वो किचन में जन्नत बैठी हुई थी क्योंकि अबू के मेहमान आए हैं लाहौर से आ रहे थे, वो खाना खाना के लिए रेडी। अचानक उनको कॉल लेके आए आ रहे हैं तो अबू फिर जल्दी जल्दी सबको कहा खाना खाना जितना हुआ खाना खाना रेडी हुआ। तो अब अभी अभी वो निकले हैं, नमाज मैं पढ़ के भी आई हूँ और मैंने कहा कि आपका वीडियो शूट करें, अभी खाना मैंने खुद खाना है, तकरीबन 10 बजने वाले करीब है टाइम, मेरे पास घड़ी रुकी हुई है, टेंशन क्या हो गया। तो खाना खाना खाते हैं, खाना खुद खाते हैं। आपको आप तो व्लॉग जो मेरे सीन करते हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली है जो, उनको तो पता होना चाहिए कि फ्राइडे को जो मेरी फेवरेट चीज़ बनती है वो तो लाजमी है फ्राइडे को, तो इसकी आप सर वीडियो शेयर करते हैं, खाना खाना खाते हैं और तला से भी मिलवाते हैं, तला को पूछते हैं कि कैसा रिएक्शन है, जितनी तैनात खत्म हुई है या नहीं, वो भी आपको उससे भी मिलवाते, पहले खाना खाते बाकी साथ साथ ब्लॉग चलता रहेगा तो आप भी इन्जॉय करते रहे। तला भाई मैंने आपका आप पूछते हैं तला भाई पेपर ख़त्म हुआ तो अब इसके बाद दिन कैसा गुजर रहा है आपका? दिन अभी गुजरा तो है, आधा ही गुजरा दिन, लेकिन रिलैक्स गुजरा है, सुकून से गुजरा, कोई पढ़ाई की टेंशन नहीं है, जाके पढ़ो तैयारी करो और काम करने पड़ रहे हैं। ये नहीं हाँ ये एक चीज़ है ये ना कि अब मैं मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने कि काम नहीं करना, मैंने पढ़ना है तो अब मुझे वो सारे छोटे छोटा काम भी करना पड़ रहा है, सारी जिम्मेदारी आप सारे काम करने पड़े हैं। पहले जिम्मेदारी थी मेरी गाड़ी की, गाड़ी की जिम्मेदारी मेरी बनी हुई थी, तलाक पेपर थे, अब वो इसकी जिम्मेदारी से वापस दे दी गई है गाड़ी की चाबी। तो सारी इंटरव्यू हाँ अब गाड़ी की चाबी से वापस दे दी गई है गाड़ी की चाबी हाँ अब इसने इसके पास वापस चली गई ट्रेन और अब खाना खाते हैं। पुलाव रेडी हुआ था, साथ रायता साथ कबाब, ये चावल बने हैं और ये बड़े खुश हुए हैं भाई मरो तला का तला खुश ज़्यादा हुआ, पेपर ख़त्म हो गया और ये कोक्स की बोतल है पूरी पापा पा रहे और ये खाना स्पेशल तला के लिए खाना बन रहा है क्योंकि आज ये फ्री हो गया था, कहीं मीठी चीज़ खाते हैं इसलिए लाओ चाय वायता साथ कबाब हो और आप अपनी प्लेट रेडी करवाते हैं और फिर आप खाते हैं अपनी प्लेट रेडी करके फिर आप अपनी प्लेट खाते हैं। ये जी मेरी प्लेट रेडी हो गई, ये भाई की प्लेट और ये तला की प्लेट, ये जी प्लेट रेडी दिया। अच्छा जी तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, तो आज का व्लॉग बहुत मज़े का बना, बहुत मज़े का व्लॉग शूट हुआ है, आपको भी इंशाल्लाह मेरा व्लॉग पसंद आया होगा और मज़ेदार थोड़ा सा बना इंटरेस्टिंग, क्योंकि तला का पेपर भी ख़त्म हो गए हैं और तला कला यूनिवर्सिटी का दिन तो वो भी आपके साथ उसकी बताइए कैसा उसका दिन गुजरा और अब वो कैसा महसूस कर रहा है वो भी आपको साथ आपने देख लिया होगा। तो जब बंदा ऐसे फ्री होता है थोड़ा सा बंदा परेशान भी होता है खुश भी होता है, परेशान ऐसे होता है कि आपकी वो 4 साल आपने एक गैदरिंग गुजारे होते हैं दोस्तों के साथ, जिनके साथ आपने तकरीबन सुबह 8 बजे जाना और 4 बजे आपने जूनी से वापस आना है, वो जो गैप दोस्तों के साथ आपने गपशप करनी है, घूमना फिरना हल्ला गुल्ला करना और वो फिर अब आप कब कुछ इसके दोस्त हैं मुल्तान के, कुछ फैसलाबाद, कुछ डीजी खान से आए हुए थे, कुछ इसके दोस्त बहुत दूर दूर से आए हुए थे, वो अब शायद वापस अपने अपने घरों में चले जाएंगे, फिर इतने कि कब अब वापस मुलाकात हुआ, थोड़ा इसलिए थोड़ा सा परेशान भी आया था, खुश इसलिए था कि अब फ्री हो गया स्टडी से BSc कर लिया, अब आगे उसका उसका प्लान है क्या करना है, उसने किधर पढ़ना है, आउट ऑफ सिटी जाना है और आउट ऑफ कंट्री जाना है, अभी उसने कुछ डिसाइड नहीं किया हुआ, वो अब उस पर है कि वो क्या करेगा, तो जो करे अल्लाह पाक उसके लिए बेहतरी करे उसमें। और आज का व्लॉग आपको भी इंशाल्लाह मेरा पसंद आया होगा और इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, कल के व्लॉग में, आज के व्लॉग के लिए दें ज़्यादा टाइम मेरे पास बहुत ज़्यादा हो गया, तकरीबन 1 बजने में कुछ 5-10 मिनट रह गए, तो व्लॉग भी अभी कल मैं सोच कर दिल तो कार सुबह करूँ लेकिन देखते हैं अभी सोचते हैं क्या करना, तो अभी ब्लॉग एंड करते हैं,
तो आज के वक्त की इजाज़त, खुदा हाफिज़।